पीपल 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 का पेड़। हाय एवरीवन, सो दिस इज़ मी शमार और मैं फिर से यही कोशिश करूँगी कि आज का वीडियो मेरा लंबा नहीं हो, बट पता नहीं क्यों मेरा वीडियो हमेशा ही लंबा हो जाता है। पता नहीं मैं कहाँ कौन से डिटेल में घुस जाती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी डैंड्रफ के ऊपर बात करूँगी और एक तरह से बोल सकते फंगल डैंड्रफ जिसे बोलते हैं, आई डोंट नो ये वर्ड भी है कि नहीं, बट हाँ सिबोरिक डर्माटाइटिस। सो मैं मुझसे ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने रिसेंटली क्या मेरे शायद मुझे काफ़ी टाइम से ये चीज़ थी और मैं उसे इग्नोर करती आई। सो एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया कि मेरे नाक के पास ऐसे लंबा सा एक निशान है जो कि मैं बचपन से देख रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आया था ये क्या है, क्यों है ये, क्यों नहीं जा रहा है। देन उन्होंने मुझे बोला कि आपको डैंड्रफ है। मैंने कहा नहीं मुझे डैंड्रफ नहीं है, मुझे कभी भी डैंड मुझे कभी कुछ ऐसा फ्लेक्स जैसा नहीं जैसे कमर्शियल एड में वो देखते थे क्लिनिक, मैंने किसी का नाम नहीं ले लिया, कमर्शियल एड में नहीं देखते थे ऐसे ऐसे करे तो यहाँ यहाँ पूरा गिर जाता था। मैंने कहा मुझे तो कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। तो बट यस, मुझे हमेशा ना मुझे ना सर में खुजली होती थी, ऐसा लगता था मेरे सर में जू हो गई है। और उन्होंने बोला कि नहीं आपको है और उसी वजह से आपको ये लाइन आ रही है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ होगी और अगर नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल नोज पे जो लाइन होती है, ये कभी ब्लैक और वाइट दोनों होती है, ऐसे करने से भी आती है। बट अगर आपको किसी भी किस्म का फंगल डैंड्रफ है आपके सर में तो आपको ये लाइन अक्सर आ सकती है। सो यस, तो ये है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ये दिया, ये शैम्पू, आई डोंट देखें ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये शैम्पू दिया, इसका नाम है कैंडिड टीवी। मैं इसका फ़ोटो प्रॉपर्ली दे दूँगी, कभी कभी दिखता नहीं है कैमरे में। और अब चूंकि मैंने फ्रंट कैमरा नहीं है, मैंने बैक कैमरा लगाया, तो मुझे नहीं पता मैं कितना प्रॉपरली ये चीज़ दिखा सकती हूँ, क्योंकि यही बड़ा मुश्किल था एडजस्ट करना। तो ये मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया और डॉक्टर ने मुझे ये यहाँ पे लगाने को बोला था। अच्छा, मैं पहले ही बता दूँ, अगर आप ये इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे तो ये मिल जाएगा आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे, लेकिन जो मेरे डॉक्टर ने मुझे ना यहाँ लगाने के लिए बोला था, तो यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे हल्का हल्का सा ये लाइन गई है। सोचो इतने सालों से मुझे ये लाइन ये काफ़ी हल्की हो गई है। इसके साथ भी दो प्रोडक्ट और मैं यूज़ कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। मेरे सर में अक्सर बहुत गंदी इचिंग रहती थी, प्लस ये लाइन जो है ही, तो ये डैंड्रफ के लिए उन्होंने मुझे ये दिया था और ये मैं नाक पे भी लगाती थी। तो नाक पे लगाने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, बिकॉज ये थोड़ा सा बर्न करता है, तो अंडर डर्माटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हो तो ये ज़्यादा बेटर है। सो इसके साथ मैंने ये शैम्पू यूज़ किया, कीटो कैनाजोल। ये कीटो एजी करके शैम्पू है, बट सेम ये इन्ग्रीडियंट जो है कीटो कैनाजोल एंड जिंक पायराथियन लोशन, इसके और भी कंपनीज आती होंगी, इसका भी मैं फ़ोटो दे दूँगी। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर सिबोरिक डर्माटाइटिस एंड दिस वन इज़ फॉर टिनिया वर्सिकुलर। टिनिया भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। सो मैं ये दोनों इस्तेमाल करती हूँ। इसको जब मैं लगाती हूँ तो मैं 10 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पे छोड़ती हूँ और इससे मैं वॉश करती हूँ, 2 मिनट के लिए इसको स्कैल्प पे छोड़ती हूँ मैं जब ये धो देती हूँ। और मैं पहले ही बता दूं कि इससे बाल ड्राई होंगे, तो ट्राई कीजिएगा कि अपने रूट में नहीं लगाएं, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में लगाएं, हल्का सा स्कैल्प गीला करके इसको लगाएं। एंड ट्रस्ट मी, ये सीरियसली ये बहुत मदद करता है वो इचीनेस की, वो डैंड्रफ। और मैं ये भी बता दूं, बहुत लोगों को ये गलतफहमी भी है कि मतलब डैंड्रफ मतलब नॉर्मल है, ड्राइनेस से होता है, बट ज़रूरी नहीं है। आधे से ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार आता है और उस वजह से हेयर लॉस होता है, और ख़ास तौर से मेल्स में
जो हेयर लॉस होता है इससे वो जल्दी वापस नहीं आता है। तो जब भी मैं किसी को देखती हूँ ना कि उनके लाइक वक्त से पहले बाल गिर रहे होते हैं, तो मैं उनको लिटरली सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग सम फंगल इन्फेक्शन शैम्पू, मतलब इस तरह के लाइक कैंडिड टीवी या फिर कीटोकैनाजोल। तो इवन जो मेरे ड्राइवर साहब हैं उनको भी मैंने सजेस्ट किया था कि उनके बाल झड़े, बिकॉज ही वॉज ओनली 27 और उनके बाल इतनी जल्दी झड़ना इज मतलब वो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा एक बार इस्तेमाल कीजिए, मे बी शायद इस वजह से आप अपने बाल हमेशा के लिए लूज़ कर लें। इसके साथ भी मतलब बहुत सारी दवाएं हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं अगर बाल लूज़ हो रहे, बट अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डैंड्रफ को ट्रीट करने की बात करेंगे, बिकॉज बहुत ही गंदा ये इन्फेक्शन होता है जो जाता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये जो दो शैम्पू मैंने बताए, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ उससे मुझे बहुत फ़ायदा है, बट यस ड्राइनेस होती है, तो प्लीज़ जब ये लगा ले, ये धो ले, एक किसी अच्छे शैम्पू से अपना शैम्पू पूरा प्रॉपरली कर ले, उसको निकालें एंड देन कंडीशन ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। आप कोई भी अच्छा कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, इसने ये काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट रखता है। एंड यस, अगर आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन है तो ट्राई कीजिएगा कि इसको स्कैल्प में, किसी भी कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाएं। ओ गॉड, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं बोलती चली जाऊँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये जो मेरे लाइन है प्लस इसमें जो वो शैम्पू मैं हल्का सा लगाती हूँ उसके साथ ना, मैं ये मेला केयर करके क्रीम है, ये आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगी, बट फिर भी जब भी मैं कुछ ऐसा फार्मेसी प्रोडक्ट बताती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले। सो ये मैं लगा रही हूँ, इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसमें भी, इसमें हाइड्रोक्विनोन है और मोमेटाजोन फ्यूरेट है, जो कि एक तरह का स्टीरॉयड है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत हेल्प करता है। और चूंकि मुझे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो यहाँ पे भी है वो इन्फेक्शन, तो उसमें ये मैं लगाती हूँ। सो यस, मेरे ख्याल से मैंने आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है आज मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देती चली गई। सो यस, आई डोंट नो, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर डैंड्रफ है आपको, तो वो जो कमर्शल्स में जो दिखाते हैं ये वाला प्लस इस्तेमाल कर लो या वो शोल्डर लगा लो, तो ट्राई करना कि किसी फार्मेसी पे जाके डैंड्रफ शैम्पू, प्रॉपर डैंड्रफ शैम्पू ले लो, जिसमें एक तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, सो कीटोकैनाजोल एंड दीज टू आर रियली गुड। और ये लड़कों के लिए भी है, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं लड़कों के लिए क्या है। देखो, हम सबके स्किन ऑलमोस्ट सेम है, ये सब ना कंपनीज ने ना ये बहुत वो किया हुआ है कि मर्दों की स्किन अलग है औरतों की स्किन अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल हर कोई इस्तेमाल कर सकता, चाहे वो कोई क्रीम हो या चाहे शैम्पू हो। सो यस, डैंड्रफ के लिए बहुत सही है। एंड धोने के बाद ऑब्वियसली कोई अच्छे हेयर मास्क या कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्या, हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने ना बी बॉडी वाइज से ना मैंने कुछ पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट की क्रीम मंगाई है, अभी है नहीं मेरे पास, मैं एंड में आपको दिखा दूंगी, तो मैं उसका रिव्यू करूंगी। अब चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि 2 से 3 मंथ आपको देने चाहिए, तो आई ट्राई कि 1 महीना मैं इस्तेमाल करूँ, उसका रिव्यू ज़रूर दूँ और उसके बीच में कुछ और बनाऊँगी चलिए, थैंक यू सो मच।